और ये है गाजीपुर बॉर्डर और यहाँ लाइट काट ली गई है। ये हाईवे है और जहाँ लाइट नहीं है और जहाँ पर प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं और इधर उधर भी हैं प्रोटेस्टर्स, ये ट्रैक्टर वैक्टर दिख रहा है आप, और लाइट यहाँ नहीं है, ट्रैक्टर की लाइट है सब। बीती रात गाजीपुर बॉर्डर पर दहशत बनी रही, लोगों में आशंका थी कि दिल्ली पुलिस या फिर यूपी पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर सकती है और उन्हें आंदोलन की जगह से खदेड़ सकती है। दरअसल हुआ यूं कि रात 8 बजे के आसपास धरना स्थल की लाइट अचानक काट दी गई। इससे आंदोलन की जगह पर सैकड़ों हजारों किसानों में अंधेरा फैल गया। लोगों को आशंका हुई कि लाइट काटी गई है तो अब यूपी पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से उन पर लाठीचार्ज किया जा सकता है और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको डर नहीं लग रहा कि मतलब लाइट वाइट काट दिया उन्होंने? डर काहे का भाई, सरकार जिस तरह के षड्यंत्र रच के इस आंदोलन को पहले बदनाम करने का काम किया, आज फोर्सफुली जिस तरह से प्रशासन ने लाइट काटी गई और फिर ये दिखाया गया फोर्स लगा के किसानों को डराने का प्रयास किया गया। ये वो किसान है जो रात में ना शेर से डरता, ना बघेरे से डरता, ना किसी चीज से डरता, अपने खेत की सिंचाई करता है। तो ये कोई किसान डरने वाला नहीं है और इस तरह के षड्यंत्रों का जवाब देना किसान पूरी अच्छी तरह से जानता है। इस वजह से कई तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर भी फैली, लोग तरह तरह के वीडियो शेयर करने लगे और दावा करने लगे कि पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर लाठीचार्ज कर दिया है। लेकिन हकीकत में लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन लाइट जरूर काटी गई थी। पत्रकार संदीप सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर ग्राउंड जीरो से कुछ रिपोर्ट्स की और बताया कि वहां पर कैसे हालात हैं। But this is the truth, and we are here at Ghazipur border to know what is the reality. First of all, it is true that power supply has been cut off, but water cannon have not been assembled here. We have not seen them, so we will talk to the people here what they think. मतलब क्या कुछ हुआ है गाजीपुर border नाल पहले के मुकाबले, की फर्क आज? फर्क आज यही है कि एक दिन साड़ी 7-8 बजे तो लाइट काट दी गई है। लाइट काट दी होगी? हाँ, पहले ये काम नहीं सुनता, उन लाइट काट दी गई है। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ। ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਭੀ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਐਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਜਿਸਕੇ ਸਾਥ ਪਾਣੀ ਕੇ ਬੋਛਾਰੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? कुछ नहीं, बस यही है कि बिजली कट ऑफ है। हाँ, इसलिए अब देख ही रहे हैं कि मुश्किल आ रही है। हाँ, थोड़ा बहुत डर रहता है? नहीं, डर हमें इतना नहीं है। अगर हम यहाँ पर आ चुके हैं तो अब डर किस बात का रह गया? अगर डर होता तो हम घर पर ना बैठते। रात के 2 बज रहे हैं, आपको सोने का नहीं है कि मतलब सो जाए? देखिए, किसान अगर सोएगा तो देश कैसे चलेगा? अगर हम अपने बाहर खेतों में नहीं सोते, ये तो अब खाली घूमना है, इधर उधर पहरा देना है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो घर पर जब ठंड पड़ती है, गेहूं को पानी चलता है, तब नहीं कभी सोए आज तक, जाग जाग के काम करते हैं, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्या नाम है? दरअसल इससे पहले एक वीडियो यूपी के बड़ौद से आया था, जिसमें धरना स्थल पर बैठे किसानों पर यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किसानों को वहां से दौड़ा दिया। ये वीडियो सर्कुलेट होने के बाद आशंका बढ़ गई कि कहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी यूपी पुलिस की ओर से कोई ऐसी हरकत ना कर दी जाए। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं और जो हिंसा हुई है उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। गाजीपुर से संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट द शूद्र।